उज्जैन पुलिस ने कल वेयरहाउस में हुई युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने वेयरहाउस के गार्ड को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा गार्ड ने ही पुलिस को सूचना देकर गुमराह किया कि युवक वेयरहाउस में चोरी की नीयत से घुस आया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला दोनों के बीच में विवाद हुआ था। इसके बाद गार्ड ने युवक को गोली मारी है। गार्ड पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। माकड़ोन के रहने वाले और खदान का काम करने वाले शैलेंद्र ने युवक की शिनाख्त महादेव निवासी उदयपुर झारखंड के रूप में की। महादेव अपने भाई और कुछ रिश्तेदारों के साथ पाठपाला में रहकर खदान में ब्लास्टिंग का काम कर रहा था। बारिश से बचने के लिए वो वेयर हाउस की छत के नीचे रुक गया था। बाइक के साथ ही चले गए थे। बाद में युवक और गार्ड के बीच में विवाद हुआ, जिसमें गार्ड ने 12 बोर की बंदूक से महादेव को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गार्ड को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शीतला वेयर हाउस थाना पवासर क्षेत्र में मुनीश यादव गार्ड है, जो कि नाइट ड्यूटी के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी समय उसको एक सस्पेक्टेड व्यक्ति लगा। उसको ऐसा लगा कि चोरी करने के आशय से वो आकर छुपा हुआ है। दोनों के बीच में कहासुनी हुई, मुठभेड़ हुई, जिसके वजह से गोली चल गई और ऑन द स्पॉट वो सस्पेक्टेड पर्सन, जिसका नाम था महादेव, जो कि मजदूरी करता था, उसकी मृत्यु हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।